गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से बिक्रम ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोग के लिए एक नया सीरीज, वही पुराना सीरीज लेके आया हूं, मेंसुरेशन पार्ट 3। अभी तक मैंने आप लोग को दो पार्ट दे चुका हूं। पहला पार्ट था त्रिभुज और दूसरा पार्ट था सर्किल यानी वृत्त। अब तीसरा पार्ट लेके आया हूं चतुर्भुज, और ये चतुर्भुज का जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, आज पर सबसे पहले मैं सूत्र बताऊंगा और सूत्र के बाद सवाल में 10 सवाल बताऊंगा, फिर अगले दिन 10 सवाल को लेकर के ये चतुर्भुज खत्म कर दूंगा। और इतना मजा आने वाला है दोस्त कि दूसरा वीडियो नहीं, सिर्फ बिक्रम ट्यूटोरियल का वीडियो देखिएगा और जरूर फायदा होगा, लेकिन पूरा देखिए। जब तक मैं आप लोगों को नहीं बोलूं तब तक देखते रहिए, उससे ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। पहला सूत्र, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का भी क्षेत्रफल कभी कभी होता है, कभी कभी समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होता है। जैसा सूत्र दे, मतलब सवाल दे, वैसा सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? मैं हमेशा बोलता हूं समझ पा रहे हैं ना, तो समझ पा रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं दूसरा सूत्र। सूत्र याद कर लीजिएगा, पिछला बार वीडियो में आप लोगों ने सूत्र याद किया कि नहीं किया पता भी नहीं चला। मैंने सारा सवाल भी सॉल्व करवा दिया, कोई क्वेश्चन बना कि नहीं बना, और बना भी तो, और कौन सा सवाल नहीं बना आप लोग कमेंट भी नहीं किए। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को दूसरा सूत्र बात करता हूं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, या विकर्ण दिया तो विकर्ण स्क्वायर बटे दो। देखिए सिर्फ क्षेत्रफल का ही सूत्र इधर ऊपर में दिख रहा है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 ए प्लस बी गुने एच। ए प्लस बी का मतलब समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। एक बात मैं बताऊं, चतुर्भुज का जो अंग्रेजी वर्ड होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। अंग्रेजी वर्ड भी कहीं कहीं दिया रहता है दोस्तों, इसलिए अंग्रेजी वर्ड पे भी ध्यान देना है। चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल, आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल, और वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, समलंब को बोलते हैं, देखिए यहां लिखा हुआ है ट्रेपेजियम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो ट्रेपेजियम ही लिख देता है। बहुत बच्चा ये समझ नहीं पाता कि ट्रेपेजियम क्या दिया हुआ, तो ट्रेपेजियम मतलब था समलंब, ठीक है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। सम चतुर्भुज को बोलते हैं रोम्बस, और रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 गुणे d2, यानी d1 क्या है पहला विकर्ण, d2 क्या होता है दूसरा विकर्ण। चतुर्भुज का क्षेत्रफल और भी सूत्र होता है, देखिए 1/2 सम्मुख शीर्ष पर लंब की लंबाई, जो डाला गया लंब होता है, लंब की लंबाई का योग गुणे विकर्ण होता है, एक विकर्ण दिया हुआ रहता है। समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, और वही वर्ग का परिमाप भी होता है 4 गुने भुजा ही। आयत का परिमाप होता है 2 × l + b, और आयत का विकर्ण होता है √l² + b², वर्ग का परिमाप विकर्ण होता है 2√2 × a, और समचतुर्भुज की भुजा होता है 1/2√d1 + d2². ये सारा सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र याद कीजिएगा तभी आपका सवाल बनेगा, और सवाल तभी बनेगा जब मेरा सूत्र याद कर लीजिए। याद कर लिए होंगे, आइए बढ़ते हैं नए सूत्र, नए सवाल की ओर, इस पर आधारित, और सारा सवाल सूत्र पर ही बनाएंगे, देख लीजिएगा। लेकिन ट्रिक का मतलब आसानी से बना लीजिएगा, तो लगातार कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, और क्या चाहते हैं मेरे वीडियो में जरूर बताइएगा। आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं, आइए बढ़ते हैं टाइप 2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है? यदि 13 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो इसका दूसरा विकर्ण क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं, टाइप 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है, और समचतुर्भुज से बता रहा हूं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप तुरंत देखते ही आंसर बता सकते थे, लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूं। जैसे ही भुजा दे दिया कितना 13 सेंटीमीटर ना, तो 13 सेंटीमीटर देखिए किस में आता कॉम्बिनेशन, पहले ध्यान रखिएगा, 5, 12, 13 में ये आता कॉम्बिनेशन। और चूंकि भुजा ही एक तरह से कर्ण का काम करता है समचतुर्भुज में, समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं हाँ, तो भुजा ही होता है कर्ण, और कर्ण 13 होगा, जैसे वो तो 5 और 12 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहां पे देख रहे हैं क्या दिया हुआ, एक विकर्ण दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 5 वाला आपका दिया हुआ है, ठीक है? 10 का मतलब इसका दुगुना 10 है, तो ऑटोमेटिक यहां 12 का दुगुना कितना हो जाएगा 24, और यही 24 आपका क्या हो गया आंसर, फटाक, कुछ करना नहीं था। लेकिन आप लोग अगर प्रोसेस जाना चाहते हैं तो प्रोसेस भी मैं एक बार दिखा देता हूं। एक्चुअली एकदम सिंपल था कि नहीं सिंपल, क्वेश्चन ही देखना था और आंसर हो गया वहीं पे, लेकिन आप लोग उतना नहीं करने जानते हैं फास्ट। मैं सिखाऊंगा आपको फास्ट, लेकिन पूरा वीडियो देखना होगा, और हर वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। एक दिन ऐसा होगा क्वेश्चन को देखते ही देखते आपका ऑप्शन अपने आप आ जाएगा, आंसर दिख जाएगा। तो ये सब कैसे आएगा, लगातार देखना होगा, मेरा स्टूडेंट भी देखता है, आप भी देखिए, जो भी मेरे दोस्त भाई बहन देखते हैं, लड़कियों तक पहुंचाए, मेरा बहुत ही कम सब्सक्राइबर में देखते हैं कि लड़कियां व्यू करती है, देखती है, इसलिए प्लीज आप लोग भी भाई बहन तक पहुंचाइए। तो सबसे पहले जैसे कैसे किए फिर बता दे रहा हूं, भुजा है 13 सेंटीमीटर, ये M1 हो गया पहला मेथड, भुजा हो गया 13 सेंटीमीटर, यही कर्ण का काम करता है समचतुर्भुज में,
एक विकर्ण दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो कॉम्बिनेशन 13 वाला में क्या आता है 5 12 13 का, यही 5 की जगह देखिए वहां पे 10 दिया हुआ है, तो 5 की जगह 10 दिया तो ऑटोमेटिक ये दुगना किया हुआ है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका तुरंत दुगना हो जाएगा, यानी 12 कितना हो जाएगा 24, दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 24, फटा के आंसर। लेकिन आप लोग इतना नहीं कर पाइएगा तो एक M2 बता देता हूँ, लेकिन करना इसी से है, समझ के इसी से करना है। तो M2 का क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बताए थे भुजा का क्या होता है सूत्र, देखिए भुजा का सूत्र बताए थे याद है, भुजा बराबर क्या सूत्र होता था 1/2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, बताए थे ना, बताए थे याद है, और नहीं याद है तो पहले सूत्र जाके इसी में देखिए, पहले शुरू में ही बताए थे। तो भुजा का मान कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 13, और 13 देखिए नीचे में यहाँ 2 है, तो इसका मतलब 13 दुना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और उधर हो जाएगा रूट अंडर कितना D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर अभी हो जाएगा, फिर रूट खत्म हो जाएगा 26 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, बराबर उधर कितना D1 का स्क्वायर, D1 एक विकर्ण दिया हुआ 10 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और 26 10 का एक हम लोग जानते हैं उसका भी कॉम्बिनेशन होता है यहाँ 24, तो इसके जगह हम 24 पुट कर दें तो क्या ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो वही 24 यही दूसरा विकर्ण छोड़े तो यही विकर्ण आपका क्या होगा 24। तो इस तरह से भी बना सकते हैं और जो भी मेथड लगाते हैं, लेकिन बनाना ही होगा। तो क्या समझ पाए, अच्छी तरह समझ पाए, नहीं समझ पाए तो कमेंट में जाके बताइए, तो ही मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, एकदम तोड़ तोड़ के बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताया होगा, उतना तोड़ के जितना भी वीडियो देखते होंगे किसी भी टीचर ने ऐसा नहीं बताया होगा, मैं ये दावा के साथ बोलता हूं अगर आप कमेंट करते हैं तो ही। चलिए बढ़ते हैं, तीसरा नंबर समाप्त। चौथा नंबर बात करते हैं, एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, तो भुजा निकाल सकते हैं ना, भुजा कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, भुजा निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि परिमाप है 60 सेंटीमीटर, 60/4 कितना 15 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण फिर से दे दिया है, D1 का मान कितना दे दिया आपका, एक विकर्ण दिया 24, कितना दिया हुआ 24। तो देखिए आप भुजा ही हम बताए थे, क्या बताए थे, भुजा ही बताए थे, सबसे बड़ी भुजा ही, यानी भुजा ही होता है विकर्ण की तरह काम करता है, तो एक एक पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन 9, 12, 15 का पढ़े है ना, और ये 15 देखिए यहाँ पे भुजा दिया हुआ है कि नहीं, यानी 15 दिया और यहाँ पे 12 कहीं नहीं दिखेगा, इस 12 के जगह यहाँ पे दिखेगा 9 के पर उसका दुगुना दिखेगा, तो 12 के जगह कितना दिख रहा है 24, तो ये कितना ऑटोमेटिक हो जाएगा 18 आपको कहीं ढूंढने से मिल जाएगा तुरंत क्या, हाँ तो यहाँ पे विकर्ण नहीं निकालना, समझ तो अच्छी तरह फल निकालना सॉरी, तो ये क्या हो गया 18 निकल गया जैसे विकर्ण, तो एक फॉर्मूला जानते हैं ना चतुर्भुज का 1/2 D1 × D2, तो D1 का मान कितना है आपका दिया हुआ था 15, कितना दिया हुआ था, कितना दिया था 24, और D2 का मान कितना दिया हुआ था, D2 का मान अभी हम निकाले थे 18, तो जैसे ही हो गया 2 × 18 = 24 नंबर, जानते हैं आप लोग, जानते हैं 216 होता है जी, ठीक है हमको पढ़ा आता, आपको भी पढ़ा आना चाहिए, तो 24 नंबर 216, और वही आपका क्या हो गया देख लीजिएगा आंसर कहां पे दिख रहा है बी नंबर ऑप्शन, आसानी से मार सकते हैं कि नहीं, गलती नहीं करना है, अगर दूसरा विकर्ण निकालने बोलता दूसरा विकर्ण निकाल चुके थे आसानी से और तुरंत मरने मन करके 216 निकाल सकते थे, लेकिन फिर बोल रहा हूं कि स्पीड करना है, आज जमाना स्पीड का हो गया, हर स्टूडेंट तेज हो चुका है ऑनलाइन के थ्रू, तो मेरा वीडियो देख करके मैं आप लोगों को तेज बनाऊंगा, बस देखते रहना है, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है जब तक कि पूरा वीडियो नहीं खत्म जाता, मजा आएगा, मजा आएगा, और मजा तभी आएगा, फिर बोलता हूं फिर पसीना मत देखिए, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, आंसर इसका आप लोग देख लीजिएगा कैसे बनाए, ठीक है उम्मीद है कि आ ही रहा होगा समझ में, आइए बढ़ते हैं पांचवा नंबर, एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना 40, तो भुजा तुरंत सोचना ही नहीं है, भुजा तुरंत कितना हो जाएगा 10, कोई दिक्कत है क्या, और एक कोण की माप दे दिया 60 डिग्री, नया क्वेश्चन है आप लोग देखते बोलते कोण वाला तो बता ही नहीं, सूत्र सूत्र वाला नहीं बताया तो ये भी बता देते हैं, एक कोण कितना थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री, ठीक है कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, लेकिन ये फिगर थ्रू बता देते हैं एक बार क्योंकि फिगर से ही बनाएंगे हम लोग, तो एक कोण की माप है 60 डिग्री, तो क्षेत्रफल क्या है, तो सबसे पहले समचतुर्भुज बनाने आता है, सबसे पहले जितना भी है सबका चतुर्भुज जितना भी है सबका फिगर बनाने सीखिए, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक समचतुर्भुज ए बी सी डी ले लिए, अगर एक कोण 60 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा हाफ हाफ में हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हमेशा होता है, ये कितना होता है 90 डिग्री सामने, ये तो हमने भुजा बोले कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, क्लियर, और ये ही दिया हुआ आपका कितना देखिए 10, ये कितना दिया 10, हमको विकर्ण चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या चाहिए विकर्ण, तो ये ऑटोमेटिक हमको ये अगर निकल जाए और ये निकल जाए तो उसका दुगुना कर देंगे तो विकर्ण निकल जाएगा, तो सबसे पहले क्या लगाना देखिए ये आपका क्या है निकालना है, और दिया कौन चाहिए ये वाला कर्ण, तो यहाँ पे देख रहे हैं जिस पर ये कौन से लेन निकाल रहे हैं, तो ये वाला क्या कहलाता है आधार, और आधार का मतलब एक होता है
बी और एच का कॉम्बिनेशन मारा, देखिए बी यहां से ले रहे हैं और ये एच दिया हुआ है, तो बी एच किसमें आता है, कॉस में, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, कितना होता है कॉस 30 डिग्री मान, पता है सबको, पता होगा कितना, कितना कमेंट कीजिए, अरे कमेंट क्या कीजिएगा, बोलिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना, साइन 30 डिग्री पता है 1/2, तो ये हो जाएगा उल्टा रूट 3/2, और वही कॉस थीटा का वैल्यू होता है ये वाला, देखिए ये विकर्ण, विकर्ण का ये आधा है, तो इसको ले लेते हैं यहाँ पे ओ दे देते हैं, ठीक है, ए ओ का मान कितना हो जाएगा, यानी ए ओ हो जाएगा, ये ए ओ और बटे कितना हो जाएगा, ए ओ बटे 10 हो जाएगा, तो सीधे हम लोग 2 ए ओ कितना हो जाएगा बउआ, बोलिए 2 ए ओ कितना हो जाएगा 10√3, और 2 ए ओ देखिए एक ए ओ से और एक ए ओ फिर इधर ओ सी मिला देंगे तो ये पूरा हो जाएगा ना विकर्ण, तो वही 2 ए ओ कितना 10√3, ठीक है 10√3 निकल गया। फिर इसी तरह निकालिएगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा कि पहला विकर्ण यानी डी वन का मान कितना निकाल दिए 10√3, ठीक है, कि 2 ए ओ मिल करके फिर विकर्ण बना लेगा, तो दूसरा विकर्ण किसी तरह देखिए ये अब इस बार निकालना है, देखिए ये क्या है लंब, तो पी और किसमें होता है 37 डिग्री, और 37 डिग्री का वैल्यू कितना एक बार लिख देता है, फिर भी 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, और ये हो जाएगा आपका बी ओ हो जाएगा, और बी ओ हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा वही 10, तो कितना हो जाएगा देखिए 2 बी ओ कितना हो गया, बोलिए तो 2 बी ओ कितना हो गया, बोलिए 2 बी ओ हो गया 10, यानी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो 10 बी ओ, बी ओ ही देखिए ये एक बी ओ और फिर एक बी ओ मिला देंगे तो पूरा विकर्ण हो जाएगा, यानी डी टू का मान कितना निकल गया 10, इसीलिए क्षेत्रफल अभी जानते हैं ना, एरिया बराबर बता चुके हैं, 1/2 डी वन का मान 10√3, दूसरा मान कितना 10, और 2 से कट जाएगा 5, 10 × 5 = 50√3, यही आपका क्या होगा आंसर, कने 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 किधर है, इधर है, बस यही करना है आपको, इतना लेकिन करना नहीं था, मैं एक बार बताया इसीलिए इतना आप लोगों को एक बार बताना पड़ा, लेकिन आप लोगों को इतना करना नहीं है, बिना देखिए फार्मूला दिखाए बिना कुछ किए मैं आप लोगों को थोड़ा ट्रिक से बता देता हूँ, थोड़ा तेजी से बना, देखते ही क्वेश्चन बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो सबसे पहले क्या करना, जैसे थीटा कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो क्या करना है एक बार साइन लगाना, दोनों बार एक बार साइन लगाना है, एक बार कॉस लगाना है, क्या लगाना है एक बार साइन कॉस लगाना है, एकदम आ जाएगा, एक बार डी वन का मान आ जाएगा 10√3 आ जाएगा, और डी टू का मान आपका कैसे लगाना, फिर बोल रहे हैं एक बार लगाना है साइन, एक बार लगाना है कॉस, आंसर आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकेगा, डी टू कितना हो जाएगा 10, और बाकी बात आप लोग जानते हैं 1/2 डी वन गुना डी टू होता है आपका क्या, क्या होता है बोलिए, क्या होता है क्षेत्रफल होता है किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन आप लोग फंस जाते हैं इसलिए मैं बता दिया, मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा, टफ भी क्वेश्चन लाऊंगा, और जो आपसे नहीं बनता है, आपसे हिलता भी नहीं है, लेकिन मैं हिला के धर दूंगा आप लोगों को भी, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अभी का, फिर मैं बताऊंगा 10 क्वेश्चन में बताऊंगा आज, कहीं जाइएगा नहीं, धीरज रखिएगा, धीरज रखिएगा, तभी पैसन जिसके दर में नहीं होगा थोड़ा सा देख करके स्किप कर दीजिएगा, समझ जाएंगे उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि नौकरी करना है तो उसमें भी पैसन रखना पड़ता है, इतना आसानी से अगर हो जाता तो हर लड़का नौकरी कर रहा होता, तो प्लीज धैर्य रखिए, थोड़ा सा देखिए पूरा वीडियो, देखिए क्या समझ में नहीं आ रहा, क्यों आ रहा, कैसे करना, आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं, देखते देखते आपको ट्रिक आ जाएगा दिमाग में, मेरा वाला कोई जरूरी नहीं, अपना भी एक ट्रिक आ जाएगा नया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिया है क्रमशः 32 सेंटीमीटर, डी वन दे दिया है कितना 32 सेंटीमीटर, और डी टू कितना दे दिया है देख लीजिए, डी टू कितना दिया हुआ वहां पे देख लीजिए, आराम से देख लीजिए 24 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं दिक्कत है ना, फटाफट यहाँ पे परिमाण पूछ रहा, तो भुजा निकालने के लिए के ट्रिक बता दिया, उतना करना नहीं है, उतना करना नहीं है, 32 का आधा कर देना, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा इधर कर लेते 16, d1/2 कितना हो जाएगा 16, और d2/2 कितना हो जाएगा बोलिए तो, कितना हो जाएगा बोलिए ना, कितना 12, और 16 12 का कॉम्बिनेशन पढ़े थे बउआ, आप लोगों को पढ़ाए थे ना, याद है ना, पढ़ाए थे, भूल जाते हैं आप लोग, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, पूरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा ना, वहां पे आपको बताए थे कि 16 12 कॉम्बिनेशन देखिएगा, वहां बनाए हैं, जस्ट इसके त्रिभुज वाला में बताया है, देख लीजिएगा जाकर के, होता है 20, तो भुजा कितना हो गया 20, यही एक आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, इतना क्या आप सीखे थे, अगर सीखे थे तो कमेंट भी वो भी बताइए कि मैं तो इतना जानता था, आप क्या न्यू बताते हैं, तो न्यू बताएंगे, एक ऐसा चीज बता दूंगा जो कोई यूट्यूब के इतिहास में कोई सर नहीं बताए होंगे, सिर्फ विक्रम पंडित विक्रम ट्यूटोरियल में ये सब बात मिलेगा, तो लगातार कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रही है, अभी और भी 4 क्वेश्चन अभी लाने वाले हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इससे बनाने के बाद आपका क्वेश्चन धड़ हो जाएगा, यानी क्वेश्चन धड़ हो जाएगा, आप नहीं होइएगा, आपको मजा आएगा, और मजा आएगा, फिर बोल रहे हर बात पे क्यों मजा लेते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर कोई मजा लेने के लिए पैदा हुआ है, इस जिंदगी में क्या है, और
है कि नहीं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप टू का ही क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं। रुक जाइए, लिखेंगे तब ना बताएंगे। चलिए अब टाइप टू में सातवां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बात बता दूं कि जो पहला जो छठा नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे जो मैंने लिखा था वहां पे परिमाप बोलना भूल गया था, तो मैं भुजा निकाल दिया था 20, लेकिन परिमाप कितना हो जाएगा 4 × 20 यानी 80 सेंटीमीटर उसका आंसर हो जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। और दूसरा जो मैंने थीटा वाला यानी जो 60 डिग्री कोण दिया हुआ था और भुजा दिया हुआ था उसका एक ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक होता है, a² sin θ डायरेक्ट क्या हो जाएगा 10² हो जाएगा, 10² साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और मैंने बताया 10² कितना 100 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, तो √3/2 डायरेक्ट कितना 50√3 आंसर, खटाक। मजा आया ना, वो बहुत लंबा था कि नहीं, लेकिन वो बेसिक था। और फिर बोल रहा हूं ये बेसिक चीज नहीं है, ये ट्रिक है तुरंत, लेकिन सब में ये काम कर जाएगा, आप लोग जरूर ही ध्यान दीजिएगा। इससे भी फास्ट अगर आप बना दिए तो मैं भी मान जाऊंगा, इससे ज्यादा तो फास्ट नहीं होगा। राजा सर डायलॉग मारते थे कि नहीं, और मैं भी यही बोलता हूं इससे ज्यादा फास्ट तो नहीं हो सकता है, डायरेक्ट आंसर मरने मन कर सकते। तो 10² 100 × sin 60 का वैल्यू √3/2 देते 50 और 50√3 आंसर होता, तो आप देख लीजिए इससे ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता है दोस्तों। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर था, उसके विकर्ण की लंबाई कितना 20 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल है। तो समांतर चतुर्भुज इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा बेसिक चीज, फिर बोलता हूं बेसिक चीज से ही आप समझ सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज कैसा बनता है फिगर आपको जाना जरूरी है। इसमें क्या होता है, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजा सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन यहां पे भुजा की बात होती है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो ये एक भुजा कितना दिया 15 और दूसरा भुजा कितना दिया 7 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण भी दे दिया है, कितना दिया हो बोलिए, उसका विकर्ण लंबाई दे दिया 20, तो ऑटोमेटिक ये 7 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो अगर ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो 15, 7 और 20 का बन रहा है भुजा, तो कितना एस कितना हो जाएगा 15, 7, 22 और 20, 42 का था कितना 21, एस बराबर जैसे ही 21 आ गया तो रूट अंडर जानते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज का, त्रिभुज क्षेत्रफल जानते हैं रूट अंडर एस, एस का मान कितना 21 और गुना 21 गुना और एस माइनस ए, एम किसी को भी ले सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा 21 में 7 गया कितना 14, 21 में 15 गया कितना बचा 6, 21 में फिर 20 गया कितना 1। तो जैसे ही होगा सो तोड़ सकते, तोड़ने जानते होंगे आप कितना में तोड़ सकते हैं 7 × 3 और फिर 7 × 2 और गुना फिर एक कितना हो जाएगा 2 × 3, सबका जोड़ा लग गया दोस्तों, शायद 1, 2 ये इसका जोड़ा लग गया तो निकल गया 7, इसका भी जोड़ा लग गया और उसका भी जोड़ा लग गया, ठीक है 7 × 42 और 42 त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ये एक भाग का निकला है, तो दोनों भाग मिला करके ही पूरा आपका, देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम है, तो 42 और दुगुना कर देंगे कितना 84 और 84 ही इसका आंसर है, तुरंत हुआ कि नहीं। लेकिन सबसे पहले समझना होगा, बहुत लोग क्या कर देते हैं डायरेक्ट 1/2 ऐसे कर देते हैं, 1/2 15 + 7 और गुना सोच लेते हैं ऐसा ही दिया है 20, तो क्या इससे बनेगा, देखिए तो 15, 7, 22 और दही कितना हो जाएगा 220, बिल्कुल गलत आंसर है और ऑप्शन में कभी कभी दे भी सकता है इस तरह, तो बिल्कुल गलती नहीं करना है। समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं दिया हुआ रहता है और उसका एक विकर्ण दिया रहता है, तो ऐसे ही करना है, हमेशा सवाल बनेगा सेकंड में, सोचना है थिंकिंग करना है, और जितना ज्यादा थिंकिंग कीजिए, फिर बोल रहा हूं कलम कॉपी कम यूज कीजिए, थिंकिंग कीजिए, 1 घंटा सोचिए फिर बनाइए, मोटिवेट अपने आप को कीजिए, मजबूत बनिए, और मजबूत बनिएगा तभी हमारा देश मजबूत होगा और आप अपने आप को संयम रखिएगा, संयम रखना है, हिम्मत रखना है। और आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, देखिए तो कितना दिया हुआ है 5:4, आपका क्षेत्रफल दिया हुआ 1000 मीटर 1000 वर्ग इकाई है, तो इसकी बड़ी भुजा पर तुंगता अगर दे दिया 20 तो छोटी भुजा पर तुंगता, इस तरह का सवाल आपको मिलेगा, लेकिन आप हड़बड़ा जाते होंगे, गलती कर देते होंगे, तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन मैडम, ठीक है। कैसे करना है, तो बड़ी भुजा क्या दिया, देखिए 5 अगर 5 एक्सिस को मान लें कोई दिक्कत, 5 एक्सिस अगर मान लें कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत, चलिए अगर नहीं 5 सीधे 5 एक्स भी ले सकते हैं, और दूसरा भुजा कितना हो गया आपका 4 एक्स, अगर बड़ी भुजा पर तुंगता कितना दिया हुआ है 20, बड़ी भुजा पर तुंगता कितना दिया हुआ है
तो कितना दिया हुआ, अगर हम यहाँ पहले एक्स निकाल लेते हैं समझ में आ जाएगा तो बढ़िया से, तो क्या आ जाएगा, पहले हम लोग बड़ी भुजा पर तुंगता दिया यानी 5x गुना, अब बड़ी भुजा पर तुंगता कितना दिया 20, अब बराबर क्षेत्रफल यही हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, या कोई भी चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं आधार गुना ऊंचाई, तो बड़ी भुजा पर जैसे ही तुंगता दे दिया यही शीर्ष लंब सोच लेंगे बराबर कितना 1000, प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो जैसे ही ये कटा देंगे कितना बार में कटेगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा देखिए, तो कितना आ जाएगा बोलिए, कितना 10, तो हो जाएगा आपका 20 × 100 यानी 10, एक्स का मान कितना निकल गया 10, तो 4x कितना हो जाएगा बोलिए, 4x कितना हो जाएगा आपका 4 × 40, कोई दिक्कत है, इतना लेट क्यों किया, सोच रहे थे आप बताइए लेकिन बताया नहीं, तो 4x जैसे चल छोटी भुजा कितना निकल गया 40, तो 40 गुने बोल रहा है उसका तुंगता निकले, तुंगता अगर मान लेते हैं वही x मान लेते हैं छोटी भुजा पर तुंगता बराबर x, क्षेत्रफल कितना दिया वही 1000, तो 40 से क्या कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा 40 × 80 या 20 × 40 × 2 यानी वही तुंगता, बड़ी छोटी भुजा पर तुंगता कितना 25, करना कुछ नहीं था सोचना था, हम तो मन मन कर सकते थे लेकिन आप लोग के लिए बताया इसलिए कर दिया, क्योंकि जान रहे हैं 5 ही दिया हुआ आपका, 5 निकाल लेते हैं, अगर हम 5x दिया हुआ है जो भी मान निकला हुआ है, अगर छोटी भुजा निकाल रहे तो आराम से उस पर तुंगता निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते एक बार जरूर देखिएगा, और अगर दिक्कत हुआ तो फिर बताइएगा, चलिए लेट हो जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, और बहुत बड़ा वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को एक दिन में सारा सवाल सॉल्व करने की कैपेसिटी रखता हूं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं कितना है 36 और 27 सेंटीमीटर है, यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी दिया हुआ है तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी क्या होगा, फिर बोल रहा हूं एकदम सिंपल क्वेश्चन है, छोटी भुजा के बीच की दूरी बड़ी भुजा के बीच की दूरी कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल को बराबर कर देना है, तो क्या दिया हुआ 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपका, कौन सी बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा के बीच का दूरी कितना दिया हुआ, देखिए बड़ी भुजा के बीच नहीं छोटी भुजा के बीच की दूरी दिया हुआ, तो इसको अगर एक्स मान ले छोटी बड़ी भुजा गुने उनके बीच की दूरी, और उसके बाद क्या दिया हुआ आपका, उधर आपका दिया 27 और गुने 27 गुना हो जाएगा, उल्टा होता है सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, छोटी भुजा के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 12, और बड़ी छोटी भुजा के बीच की दूरी निकालना है तो ऑटोमेटिक कितना बड़ी भुजा के बीच की दूरी निकालना है, तो ये कितना मान लेंगे x, तो कटाइए तो कितना हो जाएगा 9 × 27, 9 × 36 और 3 × 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16, और वही 16 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, लेकिन फिर से एक जगह गड़बड़ हो सकता है, जैसे मैं यहाँ गड़बड़ा गया, हो सकता है आप भी गड़बड़ हो जाए, लेकिन लगातार बनाइएगा तो गलती नहीं होगा, क्या करना था 36 सेंटीमीटर बड़ी भुजा था, और बड़ी भुजा जो होता है छोटी भुजा के बीच की दूरी वही शीर्ष लंब यहाँ पे कहलाता है, और यहाँ छोटी भुजा दिया होगा तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी यहाँ पे गुना होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, गलतियां हो सकती है आपसे भी, तो ये गलतियां मुझसे भी, लेकिन आप लोग गलती नहीं करना, तो यही एक्स क्या हो गया आपका 16 सेंटीमीटर, क्या आप समझ पाए हो, अगर समझ पाए हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ पाए हो तो कमेंट, बार बार बोलता हूँ कमेंट जरूर कीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका सूत्र बताए थे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, तो 1/2 समांतर भुजा कितना कितना दिया हुआ है 6 और 8, तो 6 और 8 कितना तो 14, और गुना उसका ऊंचाई कितना दिया 4, तो 2 × 4 = 14 × 2 कितना हो जाएगा 28 इज द राइट आंसर, तो क्या आपको समझ में आया आज का वीडियो देखने से आपको क्या क्या फायदा हुआ, और इस तरह का जितना भी क्वेश्चन यानी चतुर्भुज से संबंधित आपको क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन पे रहम नहीं करना है, क्वेश्चन पे रहम नहीं करना है, अगले दिन में आप लोग को चतुर्भुज से संबंधित वर्ग और आयत को बताऊंगा, उसका चतुर्भुज को बना के देखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटे तो कहिएगा, मजा आए तो प्लीज लाइक कीजिए, और मजा नहीं आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आया होगा मजा, और भी मजा आएगा जब मेरा पूरा वीडियो आएगा, जब पूरा देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, मैं ऐसा ऐसा ट्रिक सोच के रखा हूं, शायद किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा वीडियो देखिए, अनिल सर का भी वीडियो देखिए, जीके जीएस सब आएगा, लेकिन कंटिन्यू रहिए, एनटीपीसी निकलवा के रहूंगा, लेकिन लगातार मेरा वीडियो देखना होगा, दूर दूर तक फैलाना होगा, हर बच्चे तक फैलाना होगा जो एनटीपीसी निकालना चाहते हैं, तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, आप भी अनिल सर का भी, और टाइप बाय टाइप का वीडियो आएगा डिस्काउंट का, उसके बाद अगर आप लोग का अगर आप लोग अधिक से अधिक पसंद किए तो हम लोग का वीडियो कंटिन्यू आएगा, और अधिक नहीं पसंद किए तो अभी देखते हैं क्या होता है, जय हिंद जय भारत।